यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय। और जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को न किसी हरियाली को न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है और उन्हें मार डालने का तो नहीं पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के से थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्यों के से थे और उनके बाल स्त्रियों के से और दांत सिंहों के से थे और वे लोहे की सी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ्य थी वह उनकी पूंछों में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपुल्लियोन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और होने वाली हैं। और जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है कि उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। और वे 4 दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी और मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिलमें आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के से थे और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन 3 मरियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उसके मुंह से निकलती थीं, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूछों में थी, इसलिए कि उनकी पूछें सांपों की सी थीं और उन पूछों के सिर भी थे और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। और बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा न करें जो न देख न सुन न चल सकती हैं। और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियां उन्होंने की थी उनसे मन न फिराया। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 19वां। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को न किसी हरियाली को न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है और उन्हें मार डालने का तो नहीं पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार